हेलो फ्रेंड्स, ओडिया एडिटिंग में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम देखो कुछ इस टाइप का अमेजिंग कार्टून फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो हम पिक्सर एप्लीकेशन से सिखाने वाले आप सबको। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो का एक बिस्ट मिस मत करना और वीडियो को इन तक देखना, क्योंकि इन तक देखने के बाद ही आप सबको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को अगर पसंद है तो वीडियो को कर देने के लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रियन एडिट, वहाँ पर भी जाकर सब फॉलो कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस तरह का फोटो एडिटिंग के लिए हमें पहले पिक्सर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैं पिक्सर एप्लीकेशन को ओपन कर दिया हूँ। देन गाइस, पिक्सर एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद हमें पहले इसको एडजस्टमेंट कर लेना है। तो गाइस, पहले टूल्स पर जाना है। टूल्स पर जाने के बाद हमें एडजस्ट पर हमें क्लिक कर देना है। देन गाइस, यहाँ पर हमारा जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ओके। और इसका सैचुरेशन को थोड़ा आप सब देख लेना, आपका पिक्चर को कितना चाहिए तो आप सब ठीक ठाक से एडजस्ट कर लेना, ओके। देन गाइस, अब हमें इफेक्ट पर जाना है, ओके गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मैं इफेक्ट पर चला गया हूँ। देन गाइस, जाने के बाद यहाँ पर हमें स्केच वाली जो इफेक्ट दिख रहा है आप सबको, तो गाइस स्केच वाला टूल पर हमें क्लिक कर देना है। देन गाइस, अब हमारा जो मोबाइल का डाटा है उसको भी इनेबल कर देना है, नहीं तो ये इफेक्ट नहीं काम करेगा। तो गाइस, पहले वाला जो स्केच वन है इफेक्ट, उसको हमें चाहिए। तो गाइस, इसको क्लिक कर देने के बाद हमारे चेयर के ऊपर स्केच आ जाएगा, ओके। तो गाइस, देख सकते हो गाइस, यहाँ पर स्केच आ गया है। तो गाइस, यहाँ पर जो इफेक्ट है वो हमें ठीक ठाक से एडजस्टमेंट कर लेना है। तो गाइस, पहले वाला जो हॉरिजॉन्टल ऑप्शन है उसको हमें जीरो कर देना है, इसका लाइन को हम वन कर देंगे, और यहाँ पर हमें ब्लैक कलर चूज़ कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ठीक ठाक से हो गया है, और इसका फिट को हम इतना से रख देंगे, ओके। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो गाइस, स्केच हो गया है। तो गाइस, अब हमें इस तरह से इरेज कर देना है जिस पार्ट को नहीं चाहिए। तो गाइस, सब भी इस तरह से कर लेना। तो गाइस, देख सकते हो मैं ठीक ठाक से कर ले हो स्केच। तो गाइस, अब हमें पिक्चर को डन कर देना है, ओके। तो गाइस, डन कर देने के बाद अब हमें फिर से जाना है इफेक्ट पर, क्योंकि वहाँ पर मैं कार्टून इफेक्ट है वहाँ पर चले जाऊँगा। देन गाइस, यहाँ पर हमें मैजिक वाला टूल्स पर हमें क्लिक कर देना है। देन गाइस, मैजिक वाला टूल्स पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमें हिंट ऑफ येलो जो इफेक्ट है उसको हमें चाहिए, तो सिंपली इसको क्लिक कर देना है। तो गाइस, क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो गाइस, येलो टोन आ गया है हमारे फेस के ऊपर। तो गाइस, इसको हटाने के लिए यहाँ पर आइकन पर हमें टैप कर देना है। देन गाइस, पिक्चर को हमें डन कर देना है। तो गाइस, फिर से हमें इफेक्ट पर जाना है। फिर से इफेक्ट पर जाने के बाद अब हमें मैजिक वाला टूल्स पर जाना है। देन गाइस, यहाँ पर हमें बैड लेंस जो इफेक्ट है उसको हमें चाहिए, तो क्लिक कर देना है। तो गाइस, रेड टोन हटाने के लिए यहाँ पर हमें फिर से इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। देन गाइस, ये आई वाले आइकन पर हमें टैप कर देना है, जो रेड इफेक्ट था वो हट जाएगा, और इसका फेड को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रेड टोन आ गया था इसलिए मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। आप सब भी इस तरह से कर लेना। देन गाइस, पिक्चर को डन कर देना, ओके। तो गाइस, डन कर देने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हमें चेंज कर लेना है। चेंज करने से हमारा जो बैकग्राउंड तो अच्छा लगेगा, ओके। तो गाइस, पहले हमें ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, ऐड फोटो पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना है। देन गाइस, इसको हमें ठीक ठाक से एडजस्टमेंट कर लेना है। तो गाइस, आप सब भी इसको एडजस्टमेंट कर लेना। देन गाइस, यहाँ पर जो इरेजर वाले आइकन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, उसको हमें क्लिक कर देना है। देन गाइस, इनवर्ट पर हमें क्लिक कर देना है। तो गाइस, अब हमें ठीक ठाक से इसको इस तरह से ब्रश कर लेना है बैकग्राउंड के ऊपर। तो गाइस, देख सकते हो ब्रश करने से हमारा जो बैकग्राउंड था वो कितना इजी तरीके से चेंज हो रहा है। तो गाइस, आप सब भी इस तरह से कर सकते हो, बहुत ही इजी ट्रिक है ये। तो गाइस, मैं वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ, नहीं वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आप सब धीरे धीरे करना, नहीं तो ठीक ठाक से नहीं हो पाएगा, तो ठीक ठाक नहीं लगेगा पिक्चर पे, ओके। तो गाइस, देख सकते हो मैं ठीक ठाक से बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया हूँ। देन गाइस, पिक्चर को हमें डन कर देना है। तो गाइस, डन कर देने के बाद अब हमें पिक्चर को सेव कर लेना है। तो गाइस, सेव करने के लिए मैं ड्रॉ टूल्स का यूज़ करूँगा यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एचडी क्वालिटी में फोटो एडिटिंग आ जाता है। तो गाइस, ड्रॉ वाले ऑप्शन पर हमें कर देना है क्लिक। देन गाइस, यहाँ पर थ्री डॉट वाले आइकन पर हमें क्लिक कर देना है। देन गाइस, सेव इमेज पर क्लिक करना है, जो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को कर देने के लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना ऐसे नए वीडियो देखने के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी रियन एडिट, वो भी जाकर सब फॉलो कर लेना।